नेताबड्डी स्थित नेताजी मार्केट के सब्जी बाजार से एक हवलदार के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस ने हवलदार के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक धंतोली थाने के हवलदार सुनील शिंदे के साथ मारपीट करने वाले आरोपी ऋषिकेश महेश गौर, आनंद शिवलाल गौर, नियाज बिलाल पठान, राहुल नोखेलाल गौर और अजय गौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सब्जी विक्रेता है। आरोपी नियाज सब्जी बाजार में बने किसी संगठन का पदाधिकारी भी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने सभी को 6 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फरार आरोपी हर्ष शाहू की तलाश धंतोली पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार धंतोली थाने के हवलदार सुनील शिंदे गत गुरुवार को सहयोगियों के साथ भिड़े गर्ल्स स्कूल के गेट के अंदर ड्यूटी पर तैनात थे। इस स्कूल में 10वीं-12वीं के पेपर का स्ट्रांग रूम बना है। शिंदे ने गेट के पास सब्जी की दुकान लगा रहे एक सब्जी विक्रेता को मना किया और दुकान दूर में लगाने की सलाह दी। इसी बीच कथित नेता नियाज भी उस मौके पर पहुंचा। उक्त आरोपी भी एकत्रित हो गए। आरोपियों ने हवलदार शिंदे की कॉलर पकड़ ली। शिंदे ने कॉलर पकड़ने वाले को दबोचा तो बाकी साथी उसे छुड़ाने लगे। पुलिस बुलाने की बात कहते ही आरोपियों ने हवलदार शिंदे के साथ मारपीट शुरू कर दी। धंतोली की महिला थानेदार प्रभावती येरकुले के मार्गदर्शन में उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दिनांक 2/3/2022 च्या दिवशी भिडे गर्ल्स हायस्कूल या ठिकाणी स्ट्रॉंग रूम आहे। 10वी-12वीचे पेपर त्या ठिकाणी ठेवलेले आहेत। आमची दिवसपाळी आणि रात्रपाळी फिक्स पिकेट त्या ठिकाणी लागलेली आहे। त्या दिवशी 2/3 तारखेला रात्रपाळीचे आमचे अंमलदार हेड कॉन्स्टेबल सुनील शिंदे हे त्यांचे कर्तव्य बजावना करता भिडे गर्ल्स हायस्कूल या ठिकाणी जात होते, तेव्हा भिडे गर्ल्स हायस्कूल जे स्ट्रॉंग रूम आहे तिथे गेटवरती भाजी विक्रेत्याने त्याची भाजीची दुकान लावलेली होती। सदर कर्मचारी यांनी त्यांना गेटच्या साईडला दुकान घेण्याबाबत टोकले असता त्यावेळेला त्या दुकानदारांपैकीच एक जण जो नशा करून होता त्याने त्यांची वर्दीची कॉलर पकडली आणि त्यांना आतमध्ये जाण्यामध्ये अटकाव केला। त्यावेळी त्यांनी संबंधित जे कर्मचारी सोबतचे होते त्यांना सांगितलं की हा नशा करून आहे, त्याचं मेडिकल करणे गरजेचे आहे, पोलीस स्टेशनला कॉल करून या संदर्भात माहिती द्यावी। अशा वेळेलाच त्यावेळेला नियाज पठाण जो भाजी विक्रेत्यांचा उपाध्यक्ष आहे तो त्या ठिकाणचे इतर भाजी विक्रेते 10 ते 15 आरोपी यांना घेऊन स्ट्रॉंग रूम ज्या ठिकाणी आहे तिथे गेटच्या आतमध्ये घुसून आमच्या जे हेड कॉन्स्टेबल आहे त्यांना धक्का बुक्की केली आणि काठीणी वगैरे मारहाण केली आणि शासकीय कामामध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। यापैकी 5 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि इतर जे फरार आरोपी आहेत त्यांचाही लवकर शोध घेऊन त्यांच्या अटकेची कारवाई करून पुढील तपास करण्यात येतो आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।